अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु सय्यदिल मुरसलीन मुहम्मद व अला अली व असहाबी अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर सिस्टर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के हमारे सेमिनार का टॉपिक है, क्या टॉपिक है आज के हमारे सेमिनार का? इस्तकबाले रमज़ान। मैं शेयर करना चाहूँगी आपके सामने रमज़ान की कुछ इम्पोर्टेंस और उसकी प्रिपरेशंस के बारे में। रमज़ान अ गिफ्ट फॉर मुस्लिम्स। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस महीने को हम रमज़ान क्यों कहते हैं, इस पूरे का महीने का नाम रमज़ान क्यों है। सो द वर्ड रमज़ान कम्स फ्रॉम द वर्ड रम, जिसका लिटरल मीनिंग होता है बर्निंग, क्योंकि ये हमारे गुनाहों को मिटाता है, बर्न करता है विद गुड डीड्स, इसलिए हम इसे रमज़ान कहते हैं। तो रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं, हमें हर उस चीज़ से बचना होता है जो हमें गुनाहों की तरफ ले जाए। मैं स्टार्ट करना चाहूँगी बाय प्रेइंग टू अल्लाह सुबहानहू तआला कि मैं और आप इस रमज़ान के महीने से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मैं कुछ रिमाइंडर शेयर करना चाहूँगी जो मुझे और आप सबको हेल्प करेगा इस रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, रमज़ान अगले 2 दिनों में है और ये बहुत अच्छा टाइम है हमें ख़ुद को रिमाइंड करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स इन रिगार्ड्स टू इट। पहली चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये कि रमज़ान की आया की प्लेसमेंट के बारे में। कुरान में रमज़ान के बारे में एक ही जगह पर एक ही बार बात हुई है, दैट्स इट। पर कहाँ मेंशन्ड है और इससे क्या टीचिंग्स मिलती है और ये कैसे कनेक्टेड है हर एक चीज़ से, तो हम ये समझते हैं रमज़ान एक हिस्सा है लार्जर विजडम और लार्जर लेसन का जो कि अल्लाह सुबहानहू तआला ने रिवील किया है कुरान में। और दूसरी चीज़ ये कि हमें इससे क्या लेसन मिलता है, हमें इस आया पे ध्यान देना चाहिए कि हमें इससे क्या लेसन निकलता है। तो सबसे पहले ये जान लें कि कहाँ मेंशन्ड है। अल्लाह सुबहानहु तआला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में, माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया जो लोगों के लिए हिदायत है, जिसमें हिदायत की हक व बातिल की तमीज़ की निशानियां हैं। सो द मंथ ऑफ रमज़ान इज़ द मंथ इन विच द कुरान केम डाउन, या फिर हम ये समझते हैं कि रमज़ान इज़ अ मंथ इन विच इज़ अ मंथ ऑफ हैवी फ्राइड इफ्तार और अ मंथ ऑफ रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ एग्जॉस्टिंग तरावी। बाय द वे, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। इन अदर वर्ड्स, वी आर लर्निंग समथिंग वेरी पावरफुल अबाउट रमज़ान। यू नो, हर नेशन अपना इंडिपेंडेंस कैसे सेलिब्रेट करता है। So the inauguration of this ummah is not one day. What is it? It's 1 month. So Ramadan is a celebration of a new nation, of a new ummah. और दूसरी चीज़ ये कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया जो लोगों के लिए हिदायत है। So it's a reminder कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है ये कुरान को पूरी ह्यूमैनिटी तक पहुँचाना। हु थिंक्स ऑफ रमज़ान लाइक दैट?
तो रमज़ान वो महीना है जिसमें हमारा और क़ुरान का जो रिलेशनशिप है हम उसे रिफ़्रेश करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू गिव इट टू ऑल द पीपल. द वेरी नेक्स्ट वर्ड्स ऑफ दिस आया दैट इज़ सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185. फमन शहीदा मिनकुमुश्शहरा फलियसुमहू. तुम में से जो इस महीने को पाए उसे रोज़े रखना चाहिए. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अल्लाह सुभान व तआला सेज़ तुम में से इस महीने को जो पाए उसे रोज़े रखना चाहिए. अल्लाह सुभान व तआला सेइंग नॉट एवरी वन ऑफ यू विल हैव द ऑनर. Not everyone of you will have the honor. It means हम में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इस पूरे महीने ज़िंदा ना रह सकें. हम में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं that we are not going to live to see it. पर अगर हम उन कुछ lucky लोगों में से हैं जो ज़िंदा रहेंगे इस पूरे महीने, तो जो ये हमें opportunity मिली है हम उसे बेहतर से बेहतर तरीके से सेलिब्रेट कर सकें. दैट्स एन अमेजिंग ऑनर. अल्लाहस वेज ऑफ टीचिंग अस टू सेलिब्रेट इज फलियसुम हो, तो उसे रोज़े रखना चाहिए. एंड बाय द वे, अगर आप किसी वजह से किसी प्रॉब्लम की वजह से रोज़े नहीं रख सकते हैं, आप बीमार हैं, आप सफ़र पर हैं, तो आप अगले दिनों में इस गिनती को पूरा कर सकते हैं. दैट्स द रेस्ट ऑफ द आया. अल्लाह सुभान व तआला हम पे आसानी चाहते हैं. अल्लाह सुभान व तआला हम पे सख्ती करना बिल्कुल भी नहीं चाहते. डिड यू नो इन एवरी प्रोफेशन दे हैव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. द पुलिस हैज़ ट्रेनिंग, द फायर डिपार्टमेंट हैज़ ट्रेनिंग, द मिलिट्री हैज़ ट्रेनिंग. और नो द मिलिट्री हैज़ ट्रेनिंग. सो स्पेशली उन प्रोफेशंस में जिनमें आपको खतरों का या सीरियस चैलेंजेस का सामना करना होता है उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है. ये नहीं कि बिना ट्रेनिंग के आपको किसी बैटल फील्ड में भेज दिया जाए और बोला जाए जिसको हेड. आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपको ट्रेन ही नहीं किया गया उस तरह से, तो आप कैसे उस बैटल में हिस्सा ले सकेंगे या कैसे उसको फेस करेंगे क्योंकि आपको ट्रेन नहीं किया गया. सो ट्रेनिंग इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट इन दोज फील्ड्स. एवरीबडी नोज दैट. सो रमज़ान इज़ एक्चुअली अ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि आपको आपके खतरों का और सीरियस चैलेंजेस का आपका सामना करना हो, आपको उसमें आपको आसानी हो. बट लेट्स टॉक अबाउट ये ट्रेनिंग किस लिए. ये ट्रेनिंग किस लिए, तो जो प्रैक्टिकली चीज़ हम करते हैं इस पूरे महीने वो क्या है, फास्टिंग, रोज़ा रखते हैं इस पूरे महीने. बट दिस इज़ नॉट द आई ऑफ फास्टिंग. ये आया है रमज़ान के फ़ज़ाइल के बारे में. फास्टिंग की जो आया है वो इससे पहले की आया है. दैट इज़ सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183. कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून. तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर किया गया था ताकि तुम तक्वा इख्तियार करो. आपको फास्टिंग की एक बॉटम लाइन दे दी गई है, तुम रोज़े रखो ताकि तुम तक्वा इख्तियार करो, आप अल्लाह सुभान व तआला की प्रेजेंस से अवेयर रह सकें, आप अपने एक्शंस में अपने बिहेवियर में अपने स्पीच में आप इन सारी चीज़ों से अपने फाइनेंशियल डीलिंग से अपने फैमिली डीलिंग से आप इन सारी चीज़ों से कॉन्शियस रह सकें. यू वुड रिकॉग्नाइज दैट अल्लाह इज़ वॉचिंग. लेट मी टेल यू अकॉर्डिंग टू दिस आया देयर इज़ अ रिडल हियर. देयर इज़ अ रिडल हियर. अल्लाह सुभान व तआला सेज़
अल्लाह सुभान व तआला सेज तुम रोजे रखो ताकि तुम तक्वा अख्तियार करो. That's very interesting. Fasting is of what thing? Physically or spiritually? Physically. Fasting is of what thing? No, it's physically. तो हम जब रोज़ा रखते हैं हम खाने से पीने से और भी फिज़िकल चीज़ों से दूर रहते हैं. अगर हम फास्टिंग की बात आती है तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि हमें खाने से और पीने से दूर रहना है और भी सारी फिज़िकल चीज़ों से दूर रहना है. डिड यू नो कि हम अल्लाह सुभान व तआला की प्लेजर को अर्न कर सकते हैं थ्रू फूड और ड्रिंक. अल्लाह सुभान व तआला की प्लेजर को हम अर्न कर सकते हैं थ्रू फूड एंड ड्रिंक. तो जब हम रोज़ा रखते हैं हम खाने से पीने से और भी सारी चीज़ों से दूर रहते हैं. अल्लाह सुभान व तआला सेज तुम इन सारी फिज़िकल चीज़ों से दूर रहो एंड यू विल डेवलप समथिंग कॉल्ड तक्वा. लेट मी टेल यू तक्वा क्या है. तक्वा हर उस चीज़ से बचना, परहेज़ करना जिससे अल्लाह सुभान व तआला ने मना किया हो. अल्लाह सुभान व तआला की रज़ा के लिए, अल्लाह सुभान व तआला के पनिशमेंट के खौफ से हर उस चीज़ से बचना जिससे अल्लाह सुभान व तआला ने मना किया है. दैट इज़ तक्वा. इज़ तक्वा समथिंग फिज़िकल? इज़ तक्वा समथिंग फिज़िकल? नो, तक्वा इज़ समथिंग स्पिरिचुअल. तो कैसे खाने से और पीने से और इन सारी फिज़िकल चीज़ों से दूर रहने से तक्वा अख्तियार होगा जो कि स्पिरिचुअल है. लेट मी एक्सप्लेन यू बाय सम एग्जांपल्स. आप सभी जानते हैं गर्मी का रोज़ा, आप सब ने फेस किया होगा गर्मी में रोज़ा. फॉर एग्जांपल बहुत शिद्दत की गर्मी है, बहुत शिद्दत की गर्मी है और आप बाहर हैं किसी काम से आप बाहर हैं और आप रास्ते में देखते हैं कोई नॉन मुस्लिम या नॉट दैट मुस्लिम वो पानी का एक बॉटल खोलता है और एक सिप लेता है पानी का. यू नो आज बहुत गर्मी है. यू आर लुकिंग एट हिम और हर एट दैट वेरी मोमेंट. क्या आपका गला कुछ महसूस करेगा? कुछ महसूस करेगा आपका गला? ऑब्वियसली यस. इसी तरह से जब अगर हमें भूख लगी हुई होती है ना तो हमारे अगर हमें खाने की स्मेल आ रही होती है तो हमारे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, राइट? तो अगर इसी तरह से अगर आप बाहर हैं और आप रोज़े से हैं और आप गुज़र रहे हैं समोसे के स्टॉल है वहाँ से गुज़र रहे हैं आप और आपको समोसे की स्मेल आ रही है, ठीक है, तो क्या आपका स्टमक कुछ फील करेगा उस वक्त? यस yes. तो उस वक्त आपका स्टमक फील करेगा. आपका स्टमक पर दिस ऑल्सो अनदर एंटिटी इनसाइड योर हार्ट, आपका दिल. योर स्टमक सेज कम ऑन फूड फूड बट योर हार्ट येल्स एट योर स्टमक शट अप नॉट अंटिल मगरिब, राइट? बट दिस बैटल गोइंग ऑन इनसाइड यू, आपके बॉडी और आपके हार्ट के बीच में. और कौन जीत रहा है इन पूरे 30 दिनों में? योर हार्ट इज विनिंग, आपका दिल जीत रहा है. इसी तरह से हम टीवी शोज देखते हैं, डेली सोप देखते हैं टीवी पर और नेटफ्लिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं वेब सीरीज़ और या फिर मूवीज़ देखने में. तो पर जैसे ही रमज़ान आता है हम वहीं पर रुक जाते हैं. नो, इट्स रमज़ान, आई एम नॉट गोना डू दिस. यू जस्ट टेक ए स्टेप बैक और आपका दिल स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है और क्या डेवलप होता है? तक्वा.
तो रमजान इज एक्चुअली अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. इफ लाइफ इज अबाउट गाइडेंस एंड द गाइडेंस ओनली कम्स टू द पीपल हु हैव तक्वा. ये पूरे साल में एक महीना प्रोग्राम किया जाता है जिसमें आप अपने दिल को जीतने देते हैं. एंड बाय द वे, जब रमजान ओवर हो जाता है तो हमारे आगे 11 महीनों का टफ बैटल होता है जिससे हमें लड़ना होता है. विल द हर्ट बी इंजर्ड इन दोज 11 मंथ्स? विल द हर्ट बी इंजर्ड इन दोज 11 मंथ्स? ऑब्वियसली यस. तो इसे ज़रूरत होगी बीमारियों से बचने की. हम रमजान आता है, अपने दिल को जीतने देते हैं, हम रुक जाते हैं वहीं पर सारी चीज़ों से. पर जैसे ही रमजान ओवर होता है हम फिर से गुनाहों में मुब्तिला हो जाते हैं. फिर से रमजान आता है, हम फिर से वहीं रुक जाते हैं. और फिर रमजान ओवर होता है, हम फिर उन्हीं सारी चीज़ों को करने लग जाते हैं, गुनाहों में मुब्तिला हो जाते हैं. इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक. वी कैन डू इट, क्योंकि हमने एक महीने जो हमें ट्रेनिंग दी गई है हमने उसमें किया है, हमने अपने दिल को जीतने दिया है इस पूरे एक महीने की ट्रेनिंग में. हम कर सकते हैं, इन 11 महीनों में भी कर सकते हैं. फिर एट द एंड अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 85, वलअल्लकुम तशकुरून, सो यू कैन बी ग्रेटफुल. चेक दिस आउट, तुम्हें रोज़ा दिया गया ताकि तुम तक्वा अख्तियार कर सको, और तुम्हें रमजान दिया गया सो यू कैन बी ग्रेटफुल. रमजान का पर्पस है कि आप शुक्रगुजारी कर सकें. बट द क्वेश्चन इज ग्रेटफुल फॉर व्हाट? ग्रेटफुल फॉर व्हाट? ऑब्वियसली द जनरल आंसर इज फॉर एवरीथिंग. फॉर एवरीथिंग. पर इस पर्टिकुलर आया में अल्लाह सुबहान व तआला ने सबसे पहली चीज़ क्या बोली है? माह रमदान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया. सो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर द कुरान. यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर द कुरान. आप तब तक उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते, आप तब तक उसकी शुक्रगुजारी नहीं कर सकते जब तक आपने उसका टेस्ट ना किया हो. यू नो, अगर आपने आइसक्रीम में ब्लैक करंट टेस्ट नहीं किया है तो आपको उसका टेस्ट नहीं पता होगा ना, तो आप नहीं बोल सकते हैं कि वो कितनी टेस्टी है. या अपने सिबलिंग्स या अपने फ्रेंड से नहीं बोल सकते कि इसको टेस्ट करो ये बहुत टेस्टी है. नहीं बोल सकते ना आप जब तक आपने उसका टेस्ट नहीं किया होगा. तो इसी तरह से आप तब तक उसकी शुक्रगुजारी नहीं कर सकते जब तक आपने उसका टेस्ट ना किया हो. तो एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, फास्टिंग हमारे बॉडी को भूखा रखती है और रेवलेशन दैट इज कुरान हमारे सोल को फीड कराता है. वन थिंग इज गेटिंग वीकर एंड द अदर थिंग इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड अगेन. बी ग्रेटफुल टू अल्लाह सुबहान व तआला कि उन्होंने हमारी रूह को सेव किया है इस पूरे महीने. Did you know one of the word for the Quran is ruh? और हमारे अंदर क्या है? रूह. तो स्पिरिचुअलिटी इन इस्लाम जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है रिवेलेशन से, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग वो होते हैं ना जो अल्लाह सुबहान व तआला के आगे रोते हैं, अल्लाह सुबहान व तआला के आगे गिड़गिड़ाते हैं, उनकी आँखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं. वो अपने आप की हेल्प नहीं कर सकते, वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते अल्लाह सुबहान व तआला के आगे. दैट्स अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. अल्लाह तो रोना भी किससे जुड़ा हुआ है? कुरान से. अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं ये वो लोग हैं जब ये कुरान पढ़ते हैं तो इनकी आँखों से आंसू गिरने लगते हैं. That's what's supposed to happen this Ramadan.
दिस इज आवर ट्रेनिंग. तो हमें ज़रूरत है टू डेवलप अ लिंक विद द कुरान. हमें कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ने की ज़रूरत है. यू नो, अगर आपको किसी से मोहब्बत होती है, आप सभी जानते हैं यहाँ पर एक माँ बेटे का क्या रिश्ता होता है, आप सभी जानते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बेटा अपनी माँ से दूर है और वो मैसेज सेंड करता है, बहुत ही लंबा मैसेज है, सेंड करता है वो इंग्लिश में और माँ को इंग्लिश नहीं आती, तो माँ क्या होगी? बेताब होगी, बेचैन होगी. कैसे उसको उसका ट्रांसलेशन मिल जाए, कैसे उसको पता चल जाए कि उसमें लिखा क्या है उसके बेटे ने, चाहे वो कितना भी लंबा मैसेज हो. यू वांट टू रीड इट, व्हाई? बिकॉज यू लव देम. एंड व्हाट अबाउट अल्लाह सुभान व तआला? वो तो हमसे 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करता है. उन्होंने तो पूरा कुरान हमारी तरफ भेजा है. And you just read it only in the month of Ramadan. Start now. Start today. Pick up the Quran. एक ही आया, सिर्फ एक ही आया, meaning के साथ पढ़े. Is it too much? Is it too much? No. तो एक ही आया, meaning के साथ पढ़ें. One आया a day at least minimum. पोटा मार कर, वल्लाही वो दिन आएगा जब ये कुरान आपके लिए खुद गवाह बनेगा. यू नो, देयर इज अ हदीस, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम आमाल का दारुमदार नियत पर है. अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत पर मिलेगा. तो हम इस रेस में ना पढ़ करके कि इस पूरे महीने कौन कितना कुरान मुकम्मल करता है, 1, 2, 3, 4 हम रेस लगाते हैं ना कि कौन कितना कर लेता है कुरान मुकम्मल, तो इस रेस में ना पढ़ करके, बल्कि हम एक आया, सिर्फ एक आया, मीनिंग के साथ गौर करें, उस पर गौर करें, कनेक्शन बनाए कुरान से, कि आखिर उस पर गौर करें कि अल्लाह सुबहान ताला हमसे कहना क्या चाहता है. अल्लाह सुबहान ताला हमसे बात करते हैं, हमसे कहना क्या चाहता है. एक ही आया, मीनिंग के साथ पढ़ें. तो हमें ज़रूरत है कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ने की. तो हमें कुरान को हम मीनिंग के साथ पढ़ें. और दूसरी चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी आपसे, वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स ऑफ दिस मंथ, दैट इज़ दुआ. आई रियली होप कि आप और मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें हम सब. यू नो, अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں, آپ کہہ دیں میں بہت ہی قریب ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, جب میرے بندے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا اگر میرے بندے, یو نو دیر از اے ڈفرینس, اگر اور جب کے بیچ میں ڈفرینس ہوتا ہے. अगर में पॉसिबिलिटी की चांसेस कम होती है. अल्लाह सुबहान तआला से, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें, आप कह दें मैं बहुत ही करीब हूँ. अगर हम सोच रहे हैं ना कि हमारे, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, मेरी तो बहुत लंबी लिस्ट है गुनाहों की, हर इंसान से गुनाह होता है. हम अगर ये सोचें कि हम बहुत गुनाहगार हैं, वो हमारी क्या सुनेंगे, क्योंकि हम तो उनकी सुनते नहीं हैं, वो हमारी क्या सुने. ही से सुजी बुदावत दाई, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ जब भी वो मुझे पुकारे. इन दिस ब्यूटीफुल आया, अल्लाह सुबहान तआला ये उनके लिए नहीं कह रहे कि जो अल्लाह सुबहान तआला के आगे हर वक्त रोते हैं, अल्लाह सुबहान तआला से हर वक्त बातें करते हैं, अल्लाह सुबहान तआला से हर वक्त दुआ करते हैं, ना, ये उनके लिए नहीं कह रहे. ही इज़ टॉकिंग अबाउट हु
turn to Allah subhanahu wa ta'ala just one time, even one time. अल्लाह सुबहानु ताला ये तो नहीं कहते हैं कि आप तो गुनाह करते रहते हैं और आपको जब ज़रूरत हो तो आप मेरे सामने आए, मैं नहीं सुनने वाला ना, वो ये नहीं कहते हैं. ही सेज आई इमीडिएटली रिस्पॉन्ड, जस्ट टर्न बैक टू अल्लाह सुबहानु ताला. अल्लाह सुबहानु ताला ने कोई कंडीशन नहीं रखी कि आप जब दुआ मांगे तो आप नहा कर आने चाहिए, आप दुआ मांगे तो आपके कपड़े साफ होने चाहिए, या आप दुआ मांगे तो आप जाए नमाज पर ही होने चाहिए, या आप दुआ मांगे तो आप मस्जिद में ही होने चाहिए. अल्लाह सुबहानु ताला ने कोई कंडीशन नहीं रखी. ही सेज आई इमीडिएटली रिस्पॉन्ड वेन एवर ही मेक्स द कॉल. ये स्पेशली रमज़ान के कॉन्टेक्स्ट में है क्योंकि अल्लाह सुबहानु ताला ने अपनी रोब को, क़ुरान को एक्सटेंड किया है. Call on Allah, ask Allah for thanks, speak with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah se baatein kare jab aap market mein ho, Allah subhanahu wa ta'ala se baatein kare jab aap paidal chal rahe ho, Allah subhanahu wa ta'ala se baatein kare jab aap car mein ho, Allah subhanahu wa ta'ala se baatein kare aap kahin pe bhi ho, Allah subhanahu wa ta'ala se baatein kare. Aapko Arabic nahi aati? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. वो हर लैंग्वेज को जानने वाला है. आप जिस लैंग्वेज में, आपको जो लैंग्वेज आती है आप उस लैंग्वेज में बात करें. एटलीस्ट जस्ट टॉक टू हिम, बेग बिफोर अल्लाह, क्राई बिफोर अल्लाह, अल्लाह से बातें करें. जितना आप बात करेंगे ना अल्लाह सुबहानु ताला से, उतनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आई प्रोमिस. अगर आपको बिलीव है कि दैट ही इज़ लिसनिंग, जस्ट टॉक टू हिम. किसको परवाह है कि कौन क्या सोच रहा है हमारे बारे में, कौन क्या देखकर बोलेगा, आपको किसको परवाह है, किसकी परवाह है? वो आपके और आपके रब के बीच में है, आपके और आपके रब के बीच में है. यू नो, दुआ वो है जब आप अल्लाह सुबहानु ताला से बातें करते हैं, और क़ुरान वो है जब अल्लाह सुबहानु ताला आपसे बातें करता है. So beautiful ना, अल्लाह सुबहानु ताला आपसे बातें करता है क़ुरान के थ्रू. और कॉन्वर्सेशन तभी होती है जब दोनों तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा हो ना, राइट? तभी कॉन्वर्सेशन होती है. तो अल्लाह सुबहानु ताला हमसे क़ुरान के थ्रू बातें करता है और हम अल्लाह सुबहानु ताला से दुआ के थ्रू बात करते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट फास्टिंग, इट्स अबाउट रीकनेक्टिंग टू अल्लाह सुबहानु ताला इन फॉरगिवनेस, अल्लाह सुबहानु ताला इन कॉन्वर्सेशन. अचीव फॉरगिवनेस, अल्लाह सुबहानु ताला से मग़फ़िरत हासिल करें, अल्लाह सुबहानु ताला से माफ़ी मांगें. You know, there's a beautiful hadith. Sahih Bukhari ki hadith hai, Kitab al-Sawm, Jild 1, Bab 1190, Hadith number 1783. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu se riwayat hai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, jis ne pure amal aur niyat ke saath roza rakha, uske pichle guna bakhsh diye jayenge. So beautiful na, uske pichle guna bakhsh diye jayenge. आप चाहते हैं अल्लाह सुबहानु ताला की फॉरगिवनेस, आप चाहते हैं तो आप दूसरों को माफ़ करना सीखें. जिस फॉरगिव अदर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुबहानु ताला. आपके लिए कितना भी मुश्किल हो रहा हो ना, कितना भी उस इंसान ने आपके साथ बुरा किया हो ना, जिस फॉरगिव देम फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुबहानु ताला एंड सी हाउ यू अचीव द फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह सुबहानु ताला. हम कहते हैं ना, रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ मर्सी, इट्स अ मंथ ऑफ फॉरगिवनेस. तो हमें खुद से स्टार्ट करना चाहिए. जस्ट फॉरगिव देम फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुबहानु ताला, बी मर्सीफुल, और फिर देखें अल्लाह सुबहानु ताला की फॉरगिवनेस. उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह सुबहानु ताला की मर्सी देखेंगे, उससे कहीं ज़्यादा. सो ब्यूटिफुल, इट्स अ मंथ ऑफ क्लेंजिंग. हम अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को तो क्लीन करते हैं इस पूरे महीने, बट
spiritually too, it's a month of cleansing. So just try to forgive, not forget. Just try to forgive, not forget. You know what's the best time to make dua? Raat ke teesre pehar mein. You know, there's a hadith, Sahih Bukhari ki hadith hai, hadith number 1145. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu se riwayat hai, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne farmaya, har raat, hamara Rab, har raat, asmane dunya par, us waqt aata hai, jab raat ka tanhai hissa baki reh jata hai. Aur wo kehta hai, है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला जिसकी दुआ मैं कबूल करूं? है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं दूं? है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला जिसको मैं बख्श दूं? अल्लाह सुभान व तआला खुद आते हैं इस आसमान दुनिया पर, अब खुद पुकारते हैं. अगर आपने अभी तक तहज्जुद ट्राई नहीं किया है ना, जस्ट ट्राई इट आउट एट लीस्ट अ फ्यू टाइम्स इन योर लाइफ. At least a few times. It's the best time to make dua. It's the best time to make dua. Come on, try it out. I'm sure hum aur aap itne strong hain ki hum ye kar sakte hain. Ek baar, sirf ek baar try karke dekhe. Sirf ek baar try karke dekhe aur phir dekhe kya hota hai. I promise you something will definitely change in you permanently. Just try it out for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Get up, put your clock only for Allah subhanahu wa ta'ala. Hum sab mein se aksar log namaz ko ek responsibility ki tarah lete hain, ek zimmedari ki tarah. Bas jaise taise namaz pad lete hain aur jab namaz pad rahe hote hain na, sara dimag खुराफात में लगा हुआ होता है, सारी चीज़ों में लगा हुआ होता है, सिवाय इस चीज़ के कि हम अल्लाह सुभान व तआला से बातें कर रहे हैं. एक बार, सिर्फ एक बार नमाज को एज अ गिफ्ट जो अल्लाह सुभान व तआला ने हमें ऑनर किया है उसकी तरह लें, तो फिर देखें आपको जो पांचों वक्त के साथ साथ आपको तहज्जुद की भी लगन हो जाएगी. उस वक्त में एक मिरेकल होता है, आप और आपके रब के बीच में कोई नहीं होता है, सिर्फ आप और आपका रब. आप जितना चाहे बातें करें, जितना चाहे मांगे, वो खुद कहता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला? तो फिर जब अल्लाह सुभान व तआला खुद बोल रहे हैं तो फिर हमें तो उठ के मांगना चाहिए ना उनसे. उस वक्त में, उस वक्त कोई नहीं देख रहा होता है, सिर्फ हमारा और हमारा रब होता है उस वक्त. तो हम लोग नमाज को एक बार उस तरह से देखें, क्योंकि जब हम नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं ना, हम अल्लाह सुभान व तआला से मीटिंग करने जा रहे होते हैं. जब आपको अल्लाह सुभान व तआला से मोहब्बत हो जाएगी ना, तो फिर नमाज आप पांचों वक्त के साथ साथ आपको तहज्जुद का भी उस वक्त का इंतज़ार रहने लगेगा. नाउ we also need to become conscious of our tongues. Aaj se balki abhi se ye plan kare ki hum apni zuban ko zyada se zyada Allah subhanahu wa taala ki yaad mein istemal karenge, rather than with the remembrance of shaitan. True believers bad words, dirty words or evil words ka use nahi karte hain. Are you really a true believer? You wanna welcome a Ramadan? So make a promise कि आज से बल्कि अभी से ये प्लान करें कि अपनी ज़ुबान को अल्लाह सुबहान ताला की याद में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें. अपनी ज़ुबान को गॉसिप्स में या फिर दगाबाजी करने में या फिर गीबत करने से बचाएं. यू नो दिस अ वेरी स्केरी हदीद, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1903. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ा रख कर भी झूठ बोलना और दगाबाजी नहीं करना नहीं छोड़ा, तो अल्लाह सुबहान तआला को उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे. दिस वेरी स्केरी हदीस.
तो हम अल्लाह सुबहाना ताला के लिए रोज़ा रखते हैं ना, जब अल्लाह सुबहाना ताला के लिए हम इतना नहीं कर सकते हैं, हम ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकते, अल्लाह सुबहाना ताला को हमारी ज़रूरत ही नहीं कि हम रोज़ा रहें फिर, तो अल्लाह सुबहाना ताला के लिए सारी चीज़ों को छोड़े, अपनी ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुबहाना ताला की याद में इस्तेमाल करें। मेंटेन योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली मेंबर्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर नेबर्स। सिमिलरली अपने खाने में से, अपने पीने में से कुछ कम करके गरीबों के बारे में सोचें। जो गरीब रोज़ा रहते हैं उनके पास रोज़ा खोलने के लिए कुछ खाने को नहीं होता है, उनको सर्च करें, उनकी हेल्प करें, उनको ढूंढें, उनको उनकी मदद करें, उनको दें खाने में से, अपने 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 खाने में से कुछ कम करके। स्टार्ट प्लानिंग व्हाट यू गोना डू, डोंट बी लेजी इन रमजान, डोंट बी लेजी इन मंथ ऑफ रमजान। लेट अस अंडरस्टैंड कि इट्स अ मंथ ऑफ तखवा, इट्स अ मंथ ऑफ फास्टिंग, इट्स अ मंथ ऑफ कुरान, इट्स अ मंथ ऑफ टू डेवलप अ लिंक विद अल्लाह सुबहान तआला, इट्स अ मंथ ऑफ रिपेंटेंस, इट्स अ मंथ ऑफ मेकिंग रेजोल्यूशंस, ताकि हमारे आगे जो 11 महीने हैं उसका टफ बैटल है हम उसका भी सामना कर सकें, अल्लाह सुबहान तआला के उसमें भी हम फरमाबरदारी कर सकें। मैं अल्लाह सुबहान तआला मेक द मंथ ऑफ रमदान अ मंथ ऑफ तक्वा फॉर अस, अ मंथ ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर अस, अ मंथ ऑफ बीइंग गाइडेड फॉर ऑल ऑफ अस। अल्लाह सुबहान तआला हम सब की इस पूरे महीने पहुंचने में हेल्प करे, हम सब इस महीने से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।